चलो लेट्स गो। आइए आइए भाभी जी। हेलो नमस्ते। हाय हेलो 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 अनीता जी। हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। थैंक यू वेरी स्मूच भाभी जी। स्मूच इज समथिंग एल्स। स्मूच क्या होता है? व्हेन यू नो 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 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हर चीज में एक्सप्लेन। आई गॉट इट। आप थैंक यू वेरी मच कहना चाहती हैं। सही पकड़े हैं आइडिया। हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि आप दोनों हमारे घर फिर से पधारे। सो नाइस भाभी जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। अक्का है ना प्रभुति जी, अब आपका तबीयत कैसा है? ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। हम तो हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त रहें बस। और भगवान ने आपकी दुआ सुन ली, इट्स परफेक्ट। अनीता जी हम क्या बोल रहे हैं, आप ना भरभूति जी को बकरी का दूध पिलाइए। हाँ वो ना बहुत पौष्टिक होता है, उससे बहुत स्वास्थ्य बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी। बकरी के दूध में बहुत ही विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। शिवाय जी आपको क्या हो गया, इतने शांत क्यों बैठे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी, ऐसे ही बस, हम तो आपको सुन रहे हैं बस। आपने बिल्कुल सही फरमाया, बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है भाभी जी, खासकर बीपी के पेशेंट्स के लिए। ऑलरेडी सजेस्ट ना बीपी के पेशेंट्स के लिए। ही सेड बीपी राइट? ना ही सेड बीपी। नहीं दूध की बात हो रही है, बीपी दूध। दूध बीपी एंड दूध काफी रिजेम्बलेंस है दोनों वर्ड्स में। या आई गॉट इट, बाय। प्लीज कैरी ऑन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, गाय बकरी भैंस इन सब का दूध बहुत ही प्योर रहता है, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं ना वो, जैसे कंदमूल घास टाइप्स। That's right, that's right. कंदमूल खाने से भाभी जी इनके अंदर अपार शक्ति आ जाती है। ओके दरअसल हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक बकरी ने एक बकरी ने पूरे के पूरे भेड़ियों के दल को खदेड़ दिया था। वाओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग, सच अ यू नो इंटरेस्ट, टेल मी मोर अबाउट इट। एक को मारे दो मर जाए तीजा हाय हाय चिल्लाए टिरड़िंग, बड़ी लड़ैया भेड़ बकरिया इनकी जात बलैया लाए हाय हाय हाय। भैया अब गाना गाते गाते ही पूरा डॉक्यूमेंट्री सुना देंगे का? डॉक्यूमेंट्री नहीं डॉक्यूमेंट्री होता पगली। सही पकड़े हैं। अब हाँ तो भाभी जी क्या हुआ कि एक रात जब भेड़ियों के दल ने उस गांव पे हमला किया तो निरी जानवर तो भग लिए, लेकिन एक मरखनी बकरी जो है भेड़ियों के दल से सारी रात लड़ती रही, खुन्नम खुन्ना हो गई भाभी जी, अपने छोटे छोटे सींगों से उसने सारे भेड़ियों के दल को मार डाला। हाँ मार डाला। माय गॉड मरखनी बकरी यू नो द कहानी वही है लेकिन कैरेक्टर चेंज है बस। नाउ दिस इज मरखनी बकरी मेरे पीछे आ रही है, मैं जा रहा हूं मेरे पीछे। नहीं 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 मेरे पीछे मरखनी बकरी आ रही है, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग आई बिलीव यू। अब भरभूति जी अनीता जी आई जी बचाओ मेरे पीछे मरखनी बकरी पकड़ी हुई है, बचाओ। अरे बचाओ विभू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं कोई बकरी नहीं हूँ, मैं अन्नू हूँ तुम्हारी बीवी। तुम मरखनी बकरी हो, मरखनी बकरी हो। You know, I don't understand one thing, Vibhu. अगर तुम्हें पता है कि तिवारी जी के बातों से तुम पर ऐसा असर होता है तो क्यों तुमने उनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट किया? क्या हो गया भाभी जी? ओह गॉड डॉक्टर, इस आदमी की बीमारी ने तो मुझे परेशान करके रखा है। इसके दिमाग की हालत तो ताश के पत्तों के घरौंदा जैसी हो गई है, जरा सा अगर कोई इसे छू दे तो बिखर जाती है। बिल्कुल ठीक फरमाया भाभी जी आपने, इस समय विभूति भैया के दिमाग की हालत बिल्कुल रेत के उस घरौंदे की तरह नाजुक हो गई है, अगर इस समय आपने इन पे गुस्सा किया तो आपका घरौंदा बिखर सकता है। I'm sorry, doctor. It's just that वो बाहर जैसी कहानियाँ सुन रहा है ना, वो मुझे वैसे ही इमेजिन कर रहा है। अभी तिवारी जी के पास किसी खतरनाक बकरी की कहानी सुन के आया है तो अब ये मुझे बकरी समझ रहा है। ओ, फिर तो काफी गंभीर मामला है। कैसे गंभीर है? विभूति भैया बाहर आइए ये बताइए भाभी जी इस समय आपको क्या नजर आ रही है? ये हेलो ना मुझे खतरनाक बकरी लग रही है। मेरे पीछे पड़ी हुई हाथों के
अच्छा बताइए मैं क्या नजर आ रहा हूँ आप मुझे? हाँ हाँ बताइए बताइए। आप ना मुझे सांड नजर आ रहे हैं। मैं क्लिनिक चलता हूँ। खतरनाक बकरी। हमको समझ नहीं आ रहा है लड्डू कि भैया आपको हो क्या गया है, बार बार ऐसे इमोशनल काहे हो जाते हैं? यार फिर वही बात, वो इमोशनल नहीं इमोशनल होता पगली। सही पकड़े हैं, ऐसे भावनाओं में काहे बह जाते हैं। हाँ आई एम सॉरी पगली, लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ऐसा क्या हो जाता है, बात बात में काहे इमोशनल हो जाते हैं। अचानक क्या हो गया है आपको, ऐसे काहे इतने भावुक हो रहे हो? वो बेचारे भरभूति जी, हाँ वो ऐसे आपके भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं पगली, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो क्या भरभूति जी को देख के कोनो करंट लगता है आपको? तुम्हें कैसे, तो तुमने कभी वो डैम के बारे में सुना है? हाँ सुने है ना, अब भरभूति जी आपको डैम फूल बुलाते हैं। हम उस डैम फूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डैम की बात कर रहे हैं जिसे पानी एकत्रित किया जाता है। हाँ, वो बांध। हाँ, तो जब बांध के दरवाजे खोले जाते हैं तो उसमें से जिस वेग से पानी निकलता है ना, वो बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। हम कुछ समझे नहीं। तो ये समझ लो पगली कि हमारी भावनाओं का बांध टूट गया और उस भावनाओं के वेग में भभूति बह गए। जो भी हो हमको समझ ना आ रहा है, लेकिन हम आपसे एक टेलीकास्ट करते हैं। टेलीकास्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि भरभूति जी से माफी मांगिए और उनको फिर से घर पर बुलाते हैं। हाँ वैसे बुरा तो हमें भी लग रहा है, हम भी उनसे माफी मांग ही लेते हैं। ठीक बा? ठीक बा। जालिमो भैया हंसी ऐसी होनी चाहिए जा से विभूति भैया खुश आ जाए। हाँ यार आइडिया। ऐसे हंसते एक एक बात बता, तेरे मम्मी पापा को कब पता चला कि उनके यहाँ खच्चर पैदा हुआ है? सारे माइंड योर लैंग्वेज, बकवास मत करो अपनी, मैं तुमको खच्चर लगता हूँ। यार ठीक है एक बात बताऊँ, जैसे भैया तू हंस रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि खच्चर हंस नहीं रहो है, रो रहो है, क्यों टिल्लू? ठीक कह रही है, मुझे भी लगा कि क्या बला आ गई। बेटा ऐसा है कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए कि विभूति सेठ जी खुश हो जाए, उनकी हंसी छूट जाए, ना कि उनका हाथ छूट जाए हम तीनों के गालों पे। भाइयों जे भी एक कला आ गई, मैं बताता हूँ लाफ्टर कैसा होना चाहिए। बता। टीका कैसा लगो? थैंक यू। खान हाँ, तेरे डैडी को कब पता चलो कि उनके घर में एक गधो पैदा हुआ है? अरे यार मजाक बहुत हो गया मेरी जान, अब सीरियस हो जाओ। सीरियस हो जाओ भैया, मैं क्या कह रही था कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए कि विभूति सेठ जी खुश हो जाएं। कसम खा के कह रही हूँ, अगर विभूति सेठ जी खुश हो गए ना, तो अनीता भाभी हम तीनों को अच्छे इनाम से नवाजेंगी, सोचो जरा। अच्छा तो सारे इतना समझदार बन रहे है, तो तू ही बता देना कैसा होना चाहिए लाफ्टर। मलखान मुझे ऐसा लग रहा है कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए यार कि माहौल खुशगवार हो जाए। पंछी चहक रहे हो, फूल महक रहे हो, बरसात हो रही हो, मोर नाच रहे हो, बोल रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से सुहाना मौसम हो जाए यार। उससे कहो वो चोर। अरे मोर। अबे पूरी बात तो सुन ले मेरी जान, अगर माहौल पॉजिटिव होगा तो मरीज को भी एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, माहौल खुशगवार हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, इधर इनाम आ जाएगा और वो अंदर से खुश आ जाएगा। यस, दे ताली।
मम्मी इज टू गुड यार, मम्मी क्या जोक सुनाती है, शी इज टू गुड। वाओ व्हाट अ जोक। मैंने कहा था ना कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। यस श्योर मम्मी। पता है मैं ना अपने कॉलेज के दिनों की एक बात सुना। मम्मी तुम कॉलेज गई थी कभी? तू चुप रह। राइट ओके। तो मैं कॉलेज में गाना गा रही थी पूरे क्राउड के सामने। आप गाना गा रहे थे? नानी हेलन गाना गा रही थी। I like it. मैंने कुछ नहीं कहा, ये इनके अपने खुद के विचार हैं। अरे आंटी जी आगे का भाव क्या बताओ ना आप। ए आंटी जी, ए आप गाना गा रही थी फिर वहां के बाद का हुआ है गो? अरे बताइए ना क्या हादसा हुआ गाना गाने के बाद, बोलो। अच्छा आप सुनो, तो मैं गाना गा रही थी है ना, तो पीछे से कहीं से ना एक गधा रेखने लगा। मलकान यार, लेकिन मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। ध्यान से सुनो, कहीं से गधा रेखने लगा तो क्राउड में पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हैं आप, कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने भी तड़ाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैडम वो ना आपके पति आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। वाह वेरी गुड, टू गुड बाबे, व्हाट अ जोक बेबी। तुम कहती थी ना कि मॉमी बहुत पका हुआ आइटम है, बहुत बोर आइटम है। शी इज सच अ फनी वुमन। क्यूरी तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानती तूने कैसा कहा होगा। नहीं नहीं, मैंने बस विभू से ऐसे कहा कि मम्मी जी कितनी सीरियस टाइप की है ना। नहीं लेकिन भाई मां कुछ भी हो जाए मैं इतना जरूर कहूंगा कि नानी हेलन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने आज मुझे बहुत इंप्रेस किया है, बहुत खुश किया है, तबीयत खुश हो गई है। या या शी इज वेरी फनी। शी इज फनी, शी इज फनी, शी इज फनी। मैं फनी लगती हूं? फनी लगती हूं तुझे मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मम्मी जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज फनी। वेरी फनी, वेरी फनी। हेलो एवरी बुड्ढी। बुड्ढी किसे कहा तूने? नहीं मम्मी जी, वो एवरी बॉडी कहना चाहती है, एवरी बुड्ढी नहीं, एवरी बॉडी। सही पकड़े हैं। अनीता जी हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना गौरी जी। हाँ अलटके भैया आइए ना। Oh God, here comes a depression. Oh God. Calm down. Oh God. Calm down, baby. क्यों लेकर आई है इसे यहाँ? आंटी जी गलत ना ही समझिए, ये तो यहाँ सबसे माफी मांगने आए हैं। नो 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 अंगूरी जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है विभू को। विभू काम डाउन प्लीज। भाभी जी आप प्लीज हमें। अंगूरी जी प्लीज। अनीता जी प्लीज प्लीज एक बार और हमारे घर दावत पर आ जाइए ना। नहीं आ सकते हैं अंगूरी जी प्लीज, हम नहीं आ सकते, लुक एट हिम। आ जाइए भाभी जी प्लीज। तिवारी जी प्लीज आप चुप रहिए, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। हमारी वजह से क्या हुआ भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नो नो नो, इससे बोले जाए, मैं इसको देखता हूं, लगता है मेरे ब्रेन में कोई सुइयां चुभ रहा है और आई कांट सी हिज फेस। भाभी जी आप फरमाइए। वाह हमका फड़वाए। या भाभी नो 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 भाभी जी नो, इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स फरमाए। सही पकड़े हैं। हम क्या बोले, हम तो यही बोल रहे हैं आप लोग आ जाइए ना। नो भाभी जी, और तुम कहीं नहीं जाओगे। गॉड गॉड, भाभी जी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लेट मी गो। विभू तुम कहीं नहीं जाओगे। अंगूरी जी आई एम सॉरी, हम नहीं आ सकते। चलिए सुनिए भाभी जी, शी इज हर्ट, शी इज हर्ट। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट योर हेड? शी इज गॉन। गॉड Let's get back to our usual self. Humor, 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 humor team. All right? Come on. Come on. Let's everybody laugh. और प्रेम भैया कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मास्टर, ये बता अब तेरा पाँव कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन एक बात कहें? हाँ बोल। चोट तो हमें उतनी ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा पूछताछ कर ली कि भैया हमें तो लगने लगा टांग तो हमारी गई अब। हाँ यार, इस मामले में
कुछ लोग बड़े घटिया होते, ये बता कौन था वो बदतमीज? सबसे पहले तो हम तिवारी भैया का नाम लेंगे, कसम से बहुत बड़े चिरांद है वो। अरे वो तो चिरांदों का चिरांद है, क्या किया उसने? हर घंटे फोन कर करके दिमाग का दही कर दिया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब को कहीं देखा है? वो तो यहाँ नहीं है, मगर विभूति यहाँ कैसा है? प्रेम भाई साहब, आप प्लीज विभूति का नाम बराबर से ठीक से ले सकते हैं? क्योंकि आप जब भी विभू का नाम लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे कोई गाली दे रहे हैं। व्हाट इज दिस विभूतिया? सॉरी भाभी जी, सॉरी, विभूति कैसा है? क्या बताऊं, इन इमोशंस ने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद करके रख दी है। आई हेट इमोशनल पीपल। भाभी जी को इमोशनल लोगों से नफरत है? ऐसे टाइप के लोगों का काम होता है दूसरों के गुर्दों में उंगली करके उन्हें सिर्फ परेशान करना। मुझे तो बस ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो सबको हंसाएं। आजकल के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भाभी जी? बल्कि आजकल के लोग तो अपने गम से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है भाभी जी, अब हम आपको हंसाएंगे। बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर साहब आप कहाँ रह गए? मैं आपको फोन लगा रही थी, आपने फोन रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए निकल गई। माफ कीजिए भाभी जी, वो क्या हुआ ना, रात मेरा फोन चूहा खा गया। हाँ? अबे ओ डॉक्टर, थोड़ा सा राशन घर में भरा कर ताकि चूहे को फोन खाने की नौबत ही ना आए। अच्छा भाभी जी, वैसे हुआ क्या है? आप तुरंत मेरे साथ घर चलिए, विभू का चेकअप कीजिए, पता नहीं क्या हो गया, कल शाम से वो इतना ट्रिगर हो चुका है। आइए ना, देखिए। आप चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या 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 हुआ बेबी, जोक अच्छा नहीं लगा? अभी मेरा सर चकरा रहा है और आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। कमाल है कचेड़ू, ये जोक सुनकर भी तेरा दिमाग चकरा रहा है। नानी हेलन, जब आदमी का दिमाग चकराने लगता है ना, इसका ये मतलब हुआ कि वो पागल हो रहा है। विभूति भैया, वेलकम टू द मैडनेस क्लब, आई लाइक इट। सक्सेना जी, ये कैसी मनहूस बातें कर रही हैं आप? भाई माँ, मैं बेहद माफी चाहूंगा आपसे, बट दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ मैडनेस। भाई माँ, इसमें होता ये है कि जो अच्छी चीजें वो खराब लगने लगती हैं और जो खराब बातें होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं, यही होता है। सक्सेना जी, 100% सही बात कही आपने। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ एडवांस में विभूति भैया के कहीं एडमिशन करा दीजिए। मैं एडमिशन क्यों लूंगा यार, मैं तो पढ़ चुका जितना पढ़ना था। I'm a topper from Chapra University. पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन की बात कर रहा हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, आई लाइक इट। आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए क्या आप? देखिए इनको, देखिए मुझे, देखिए। मेंटल ऐसे होते हैं। अपना एडमिशन भी ना इसके साथ साथ ही करा लेना। मेरा क्यों एडमिशन कराएंगे भाई, मैंने जो सिम्टम्स देखे वो मैंने बता दिया। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ सिम्टम्स ही बताएंगे या इलाज भी बताएंगे? अरे ये क्या बताएगा, एक नंबर की पनौती है। पनौती, आई लाइक इट। देखिए इसका सिर्फ एक ही इलाज है। अरे क्या है बताइए ना, आप मुहूर्त निकलवाएं क्या? जो भी हम लोग जोक चुटकुले सुना रहे हैं ना, वो बेअसर हो रहा है। तो जो भी जोक चुटकुले हम सुनाते हैं ना, उसका अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वो अदरक की गांठ, अदरक की गांठ, आई लाइक इट। पहले ये बता कि क्या करें तेरे इस अनुकूल का। अब इसके लिए हम सब लोगों को मिलके विभूति भैया को हर्ट करना पड़ेगा। हर्ट करेंगे मतलब मारेंगे? मारेंगे नहीं बल्कि बुरा भला कहेंगे, जलीकट्टी सुनाएंगे। लेकिन क्यों बुरा भला बोलेंगे, क्यों जलीकट्टी सुनाएंगे, व्हाई? नहीं नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है कि लोहा लोहे को काटता है। इन दैट केस मैं विभू के खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगी। विभू के खानदान की बारात निकालूंगी। भाई माँ, बारात में घोड़ी भी होगी? बिल्कुल। आई लाइक इट। आई लाइक इट टू। पगली, हमारी बात तो सुनो। हमको आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो पगली। क्या बात सुन ले? इतने दिनों से हम आपका हरकतों को देख भी रहे और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। हम बोल रहे लड्डू के भैया, आप हमारी सराफत का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। अरे हम किसी का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे भाई।
तुम्हें ही बताओ हमें क्या फायदा मिलेगा किसी को सता के उसका नाजायज फायदा उठा के। भाई तो हम भी सोच रहे हैं कि आपको क्या फायदा होगा उन दोनों को सता कर। तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो फिर काहे काहे जैसे अनीता जी और भरभूती जी आते हैं काहे शुरू हो जाते हैं आप। क्या बताएं फगली, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तुम एक काम करो, जब भाभी जी को तनिक फोन मिलाओ। मिलाओ। ये क्या बोल रहे हैं? अरे हिंदी में बोल रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं उन्होंने फोन मिलाओ, उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दो। नहीं हम तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वो दोनों बहुत गुस्से में होंगे। हाँ अरे पगली हम कह रहे हैं ना फोन मिलाओ, इस बार हम भभूति जी को हंसाएंगे गुदगुदाएंगे, समझा करो। लेकिन देखो तुम्हें हमारी कसम है, तुम फोन मिलाओ चलो। ठीक बा।